ढाई साल के फॉलोअप के बाद कांदिवली पूर्व रेलवे स्टेशन पर स्वचालित एस्केलेटर आज शुरू हो गया। राज्य में महायुति सरकार आने के बाद ही यह काम पूरा हुआ। बीजेपी नेता विधायक अतुल भाटखलकर ने कहा है कि हमारा संघर्ष सफल रहा। इस स्वचालित सीढ़ी का उद्घाटन विधायक भाटखलकर ने किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वह बोल रहे थे। विधायक भाटखलकर ने कहा, कांदिवली पूर्व रेलवे स्टेशन में इस सीढ़ी को शुरू करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। नागरिकों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए लगातार फॉलो अप किया गया, लेकिन राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान इस काम की उपेक्षा की गई। महिलाओं, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आज का दिन ये बहुत संतोष देने वाला दिन है। आपको याद होगा, आपने भी रिपोर्टिंग किया होगा, 2-2.5 बरस पहले ये एस्केलेटर बार बार बंद गिरता है, 2-2 महीना बंद रहता है। इसके लिए हमने इसी विभाग में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया था। जेल में भी हम उस समय आंदोलन करके, क्योंकि राज्य में सरकार उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, लेकिन उसके बाद मुंबई महानगर पालिका ने ये एस्केलेटर नए सिरे से, नए टेक्नोलॉजी से बनाने का निर्णय किया। आपको याद होगा, पहले वाला जो एस्केलेटर था वो सीधा जमीन से सटा हुआ था, तो जब जब बारिश आता था या कोई भी पानी आता था तो एस्केलेटर में जाकर वो एस्केलेटर बंद गिरता था, और इसके लिए बरस के 12 महीने में कम से कम 6 महीना वो ये एस्केलेटर बंद होता था। आज आपने देखा होगा कि यहाँ सीढ़ियाँ निर्माण की है, उसके बाद एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसके ऊपर से ये एस्केलेटर चालू होता है, तो पानी जाने के कारण ये एस्केलेटर भी बंद गिरेगा नहीं। साथ में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का ये एस्केलेटर बिठाया है, जो अच्छे क्वालिटी के होता है। पूरे देश में ऐसे नामांकित कंपनियों के एस्केलेटर बिठाने का काम अपन करते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी दुविधा लोगों को जो थी वो आज सुलभ गई है, और अभी ये एस्केलेटर चालू हुआ है। आज के साथ गौशाला के पास जो दूसरा एस्केलेटर है वो भी 3-4 दिन में वो भी प्रारंभ हो जाएगा, और अकुरली सबवे का जो रुंदीकरण मैंने हाथ में लिया था 4 बरस पहले, उसमें 2 कारणों से डिले हुआ था। एक तो पहला काम चालू किया और कोविड आ गया, तो 2 बरस काम हुआ नहीं। उसके बाद महानगर गैस की पाइपलाइन उसके बीच में आ गई, तो वो शिफ्ट करने के लिए 7-8 महीना काम बंद करना पड़ा। अभी अगस्त एंड तक या सितंबर 1 वीक तक ऊपर के जो बैरिकेड हाईवे को लगे हुए वो निकालने का काम हम करेंगे, और सितंबर एंड तक नीचे का जो सबवे है, जो एक्चुअली उसके रुंदीकरण का काम है, वो सितंबर एंड तक पूरा होकर 90 फीट का अकुरली सबवे लोगों के उपयोग में आएगा। कांदिवली विधानसभा की छोटी से छोटी भी समस्याओं पर आपका ध्यान होता है और उसे पूरा करने का काम करते हैं, किस तरह से आपकी नज़र होती है कि आपकी विधानसभा में किसी को कोई भी समस्या ना हो? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये हमारे ऊपर संस्कार है कि जनप्रतिनिधि 5 बरस में एक बार जनता के लिए जवाबदेही नहीं होता है, तो वो जनता के लिए 5 बरस पल पल जवाबदेही होता है, और जिन्होंने मेरे को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, सिर्फ उनको ही जवाबदेही नहीं, तो पूरे नागरिकों के लिए मैं जवाबदेही हमेशा रहता हूँ। ये हमारे ऊपर संस्कार है, और इसके लिए छोटे छोटे काम लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मोदी जी का शब्द प्रयोग है ईज़ ऑफ लिविंग, तो ईज़ ऑफ बिजनेस तो हो गया, अभी ईज़ ऑफ लिविंग भी करने की आवश्यकता है। आम आदमी को, सामान्य व्यक्ति का, उसका रोजमर्रे का जो जीवन है वो आसानी से जीने को मिलना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसका भी अनाउंसमेंट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि 370 कलम हमने खारिज किया, वो खारिज करने के बाद लोगों ने ये कहा, जो हमारे विपक्ष के लोग थे उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव नहीं होंगे, कब चुनाव होंगे, तो चुनाव के लिए चुनाव करना नहीं करना चुनाव आयोग का अधिकार रहता है, तो आज चुनाव घोषित हुए हैं,
मुझे पूरा विश्वास है जनतंत्र के माध्यम से ये चुनाव होंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छा यश मिलेगा। मैं राहुल गांधी को इतना ही कहूँगा, चुनाव में तुम्हारी हार तो पक्की है, लेकिन हारने के बाद ईवीएम को दोष मत दो, इतना ही मैं उनको कहूँ।